इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के इतिहास का उसकी विजयों का वर्णन होगा और प्रयाग प्रशस्ति में किस किस शासकों का विवरण दर्ज है आदि अनेक इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं आइए शुरू करते हैं वीडियो आर्यव्रत का प्रथम युद्ध किसने जीता आर्यव्रत का प्रथम युद्ध आर्यव्रत के उन राज्यों को कहा जाता है उन राज्यों की विजय को जो समुद्रगुप्त ने की थी ये समुद्रगुप्त ने किया नंबर दो पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि किसे मिली है ये समुद्रगुप्त को मिली है प्रश्न नंबर तीन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था ये विंसठ स्मिथ ने ये उपाधि उनको दी थी किस लेख में समुद्रगुप्त को पृथु आदि से बढ़कर दानी कहा गया है जो प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज होता है ये एरन लेख में कहा गया है जिसमें उनके विषय में जानकारी मिलती है नंबर पाँच समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम है दत्ता देवी इनकी पत्नी का नाम मिलता है नंबर छः समुद्रगुप्त कौन सा यंत्र बजाने में पारंगत था वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीणा वादन में एक्सपर्ट थे वीणा बजाते थे वीणा वाले सिक्के इनके मिले हैं अश्वेघ यज्ञ करने वाला गुप्त शासक कौन था समुद्रगुप्त ने अश्वेघ यज्ञ किए थे और समुद्रगुप्त का संधि विग्रह कौन था संधि विग्रह या विदेश मंत्री ये महाकवि हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है ये समुद्रगुप्त से है अन्य शासकों भी इसमें के वर्णन है जो आगे बताएंगे नंबर नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है हरीसेन और प्रयाग प्रशस्ति के विषय में थोड़ा जान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है समुद्रगुप्त के कवि मंत्री सम्राट अस, ने सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर अशोक के इस पर छः आदेश खुदे हुए हैं उसी स्तंभ पर हरीसेन ने ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में चंपू शैली में ये लेख खुदवाए थे समुद्रगुप्त के विजयों के विषय में इसी स्तंभ पर आगे जहांगीर ने भी अपना लेख खुदवाया और अकबर जो है स्तंभ को इलाहाबाद के किले में ले गए थे और वहीं पर जहांगीर ने भी लेख खुदवाया परवर्ती काल में यानी बाद के काल का एक देवनागरी लेख भी इस पर है एक रानी का लेख भी इस पर मौजूद है नंबर ग्यारह किस पुस्तक में पूर्वी समुद्र और विंध्याचल पर्वत से लेकर हिमालय तक के बीच के भाग को आर्यव्रत कहा गया मनुस्मृति में कहा गया है समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे उसके द्वारा जो विजित किए गए प्रदेश थे सीमांत प्रदेश पाँच थे जिसका विवरण प्रयाग प्रशस्ति की बाईसवीं पंक्ति में मिलता है और ये पांच प्रदेश थे समतट डवाक कामरूप कृतपुर और नेपाल उत्तर भारत के नौ राज्य जिनका वर्णन इक्कीसवीं पंक्ति में है आठवीं राज्य ये भी इक्कीसवीं पंक्ति में है और दक्षिण पथ के बारह राज्य थे इनको विजित किया मगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया बारह राज्यों को और ये नीति उनकी कहलाई ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण भारत में अपनाई गई नीति क्या कहलाई ग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाई उत्तर भारत के राज्यों का विलय करने की नीति विजित करके अपने राज्य में मिला लिया वह परस बहुत धरण नीति कहलाती है दक्षिण के बाद उत्तर का युद्ध कहलाता है जो दक्षिण भारत के बाद फिर उत्तर के राज्य थे उन्होंने हरकतें करनी आरंभ कर दी थी एक बार फिर विजित किया दोबारा और ये युद्ध आर्यव्रत का द्वितीय युद्ध कहलाता है दक्षिण के बाद लड़ा गया नंबर सोलह समुद्रगुप्त ने तीन वर्ष के अभियान में कितनी यात्रा की अपने युद्धकाल के दौरान उन्होंने तीन हजार मील की यात्रा लगभग की समुद्रगुप्त के समय दक्षिण कौशल की राजधानी थी श्रीपू समुद्रगुप्त ने किस भी जंगली प्रदेश को जीता था महाकांतर को जीता था जो एमपी में था श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त के पास दूतमंडल भेज कर बौद्ध गया में एक मठ बनवाने की अनुमति ली थी और फिर बनवाया भी था ये मेघ वर्मन जो समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका के शासक थे नंबर बीस किस बौद्ध भिक्षु ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है वसुबंधु ने इनकी प्रशंसा की है किसने समुद्रगुप्त की विजयों को दक्षिण बीजों को धर्म विजय कहा है राय चौधरी ने धर्मविजय नाम दिया है विजित करके फिर उनको स्वतंत्र कर दिया था स्वयं को दोहित्र कहकर कौन गौरवान्वित होता था ये समुद्रगुप्त था ये चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था इसलिए स्वयं को दोहित्र कहकर भी गौरवान्वित होता था इनसे अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का